हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अगर आप भी सिमिलर प्रॉब्लम फेस कर रहे हो जो मैं कर रहा था अपने फैम्पे ऐप पे, तो कि लिखा रहा था कि सॉरी वी कुड नॉट फाइंड योर लोकेशन, तो ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए आज की वीडियो में बताऊंगा। तो कुछ मेथड है उनको फॉलो करना है जिससे आपकी ये प्रॉब्लम है बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो मैंने जैसे सॉल्व किया था वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो वीडियो को लाइक करें और अनरीचेबल चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम आ गए हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने जो प्ले स्टोर ऐप है उसको ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें अपने ऐप को सर्च कर लेना है। यहाँ पे से आप देख सकते हो आपको सर्च कर लिया। यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन दिख रहा है तो अपडेट ज़रूर कर लीजिएगा। अगर अपडेट का ऑप्शन नहीं दिखेगा तो एक बार अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कीजिएगा ऐप को। इसके बाद सेटिंग है उसको ओपन कर लेना अपने डिवाइस में। सेटिंग ओपन करने के बाद कनेक्शन एंड शेयरिंग पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ का ऑप्शन देखेगा हमें, तो यहाँ पे हम इनको रीसेट कर लेना है। रीसेट करने से कभी कभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ से बैक आ जाना है। तो बैक आने के बाद कुछ और इम्पोर्टेंट स्टेप है जिसके बाद आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। ऐप्स में आ जाना है। ऐप्स में आने के बाद यहाँ पे मैनेज ऐप्स का ऑप्शन देखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर देते हम। इस पर क्लिक करने के बाद राइट साइड पे हमें 3 डॉट्स देखेंगे, इन पर क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन देखेगा रीसेट ऐप प्रिफ्रेंसेस का, इस पर क्लिक करना है और इनको रीसेट कर देना है। इनको रीसेट करने के बाद यहाँ पे ऐप में हमें अपना ऐप है जिस ऐप में प्रॉब्लम आ रही है उसको सर्च कर लेना है। ऐप को मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया है। इसकी स्टोरेज पे आ जाता हूँ। स्टोरेज पे आने के बाद स्टोरेज का क्लियर कैच करना है। क्लियर डाटा मत करिएगा क्योंकि क्लियर डाटा से आपका जो सारे इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं उसका डिलीट होने का रिस्क होता है। इसके बाद ऐप परमिशन पे आना है। ऐप परमिशन पे आने के बाद सारी जो परमिशन है उनको 1 by 1 इनेबल कर देना है और ध्यान रखना है कि कोई भी परमिशन यहाँ से डिनाई नहीं करनी है। 1 by 1 सारी परमिशन को इनेबल कर लेना है। इसके बाद अदर परमिशन का ऑप्शन देखेगा हमें यहाँ पे। तो अदर परमिशन पे जाने के बाद भी यहाँ पे सारी परमिशन देखेंगी उनको इनेबल कर देना है। 6-7 जो भी परमिशन देखेंगी उनको इनेबल कर लेना है। इसके बाद रिस्ट्रिक्ट डाटा यूसेज का ऑप्शन देखेगा और यहाँ पे ये अगर ऑफ होगा तो इनको ऑन कर देना है। अगर ये ऑलरेडी ऑन है तो 2 मिनट के लिए इनको ऑफ करना है और फिर ऑन कर देना है। ये सब करने के बाद एक बार डिवाइस को रिस्टार्ट करें। रिस्टार्ट करने के बाद सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करें।